ये हुनर ही तो है जो इंसान को सफल और असफल बनाता है। और खास बात, हुनर सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यानी अगर सीखने की ललक हो तो समझिए कि कामयाबी बाहें पसारे आपका इंतजार कर रही है। 3 महीने का ट्रेनिंग लेकर बेंगलोर जा रही हूँ। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, जॉब करूँगी, अपने पैर में खड़ा होंगी। सपना में नहीं देखा था कि ऐसे मैं काम करूँ या नहीं करूँ। मैं तो सोचा था कि मजदूर का बेटा हूँ, मजदूरी करके जीऊँगा। जंगल का मतलब लकड़ी काट के गुजारा करते थे, वो भी लकड़ी बेचने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। फिर यहाँ का बारे में जब पता चला, इसे तकदीर बदलने का मंत्र कहिए, यह हर जरूरतमंद युवा के हाथों में हुनर की चाबी देकर सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर करने की क्षमता, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और झारखंड राज्य आजीविका मिशन के अथक प्रयासों से। इन हुनरमंद उंगलियों को देखिए, आत्मविश्वास से भरे इनके चेहरों की मुस्कान को देखिए। कंप्यूटर तो कभी देखे नहीं थे और छुए भी नहीं थे, और यहाँ आके हम लोग सीख भी पाए और कुछ इंग्लिश वर्ड भी हम लोग बोलने भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सरकार की इस सकारात्मक पहल ने झारखंड के बेहद गरीब युवाओं को देश के दूसरे राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं वो सिलाई के साथ साथ उनको हम आईटी की, सॉफ्ट स्किल्स की और इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम ये ऐसा सोचते हैं कि जो भी इंडस्ट्री में चैलेंज आएंगे या आने वाले हैं तो हम उसको इस तरह से ट्रेन कर पाएँ कि वो जैसे भी चैलेंजेज आते हैं इंडस्ट्री में वो उसको आसानी से फेस कर सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देश के गरीब और कम पढ़े लिखे ग्रामीण युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार किसी एक औद्योगिक क्षेत्र में हुनरमंद बनाना और नियमित रूप से मजदूरी या मासिक वेतन पर नौकरी दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश के गांवों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई एक सर्वोत्तम पहल है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है कि 18 से 35 की आयु वर्ग के जो ग्रामीण युवा हैं उनको ऐसी विधाओं में जिसका मार्केट में डिमांड है उसमें प्रशिक्षित कर उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में 2019 तक 80,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, और इसके लिए सैंक्शन योजनाओं को कर दिया गया है तथा इस क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं उन लोग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, और ये पूरा ही प्रशिक्षण रेजिडेंशियल तथा निःशुल्क रहेगा। किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए योजना से होने वाले लाभार्थियों को जागरूक करना जरूरी होता है। क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, अधिकतर गांव संचार माध्यमों की पहुंच से दूर हैं, इसलिए योजना से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों ने डोर टू डोर यानी घर घर जाकर योजना के बारे में लोगों को बताना और प्रेरित करना शुरू किया। घर डोर टू डोर जाते मोबिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद प्रधान को बताते हैं, मुखिया को बताते हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर को प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और उसके बाद और रोजगार मेला हम लोग आयोजित करते हैं वीडियो के थ्रू। हम लोग जो है प्रचार गाड़ी के द्वारा हम लोग जो है लोगों को सूचना पहुँचाते हैं, कैंप करवाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग मोबिलाइजेशन करते हैं। रोजगार मेला 15 से 35 वर्ष के गरीब और जरूरतमंद बेरोजगारों के लिए उत्सव के दिन जैसा होता है। गांवों के युवाओं और उनके माता पिता को जागरूक किया जाता है कि उनकी गरीबी, उनका कम पढ़ा लिखा होना अब उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जो युवक और युवतियाँ अपनी इच्छा से प्रशिक्षण के लिए तैयार होते हैं उनके सारे प्रमाण पत्रों की जाँच परख की जाती है।
चयनित युवकों और युवतियों की सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर में काउंसलिंग की जाती है, जिनमें उनकी शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत रुचि के आधार पर ट्रेड चुनने में मदद की जाती है। हमारे यहाँ जब स्टूडेंट आते हैं ना, तो पहले हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में उनके पर्सनल इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग उनको अपने ट्रेड को सिलेक्ट करने बोलते हैं। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अपने ट्रेड को चुन लेते हैं। उसके बाद से बीच बीच में बिटवीन क्लासेस भी हम लोग उनका मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि किसी कोई निगेटिविटी उनके अंदर न आए। ट्रेड चुनने और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होते ही DDU-GKY की तरफ से सभी युवक युवतियाँ निशुल्क प्रशिक्षण और रोजगार पाने के हकदार हो जाते हैं, और साथ ही प्रशिक्षुओं को कुछ प्रतिबद्धताएं भी बताई जाती हैं, जैसे सीखने के लिए प्रतिबद्धता, कक्षाओं में भाग लेने में नियमितता, नौकरी की ओर समर्पण, प्रशिक्षकों के संपर्क में रहना और प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा में उपस्थित होना। प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए DDU-GKY की तरफ से गाइडलाइन सुनिश्चित की गई है। समय समय पर संबंधित अधिकारी संस्थानों की चेकिंग भी करते हैं। कहते हैं, जब आप पूरी इच्छा से कुछ पाने की कामना करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। हम डेली रोज लोहरदगा से रांची 58 किलोमीटर मजदूरी काम करने आते थे। उसके बाद 10 बजे रात को फिर घर वापस लौटते थे, तो खाना भी नहीं खाते थे, कभी ऐसे ही सो जाते थे, ख़त्म भी हो जाता था। हम लोग जाने टाइम जाते जाते बहुत देर हो जाता था, तो उसके बाद हम लोग सुबह फिर उठते थे। सुबह तो उठ के नाश्ता बनाते थे, और रात को जो बनाते थे चावल, उसको सुबह खा कर आते थे, मजदूरी करने फिर आना पड़ता था। कभी खा के भी नहीं आते थे, ऐसे ही आते थे। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बताई कि वहाँ बहुत ही अच्छा है। इनकी तरह झारखंड के अनेक युवाओं ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना से ट्रेनिंग पाकर अपने जीवन को संवार लिया है और आज अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। मेरे पास कुछ अर्निंग का कोई सुविधा नहीं था, मैं कुछ अर्निंग नहीं कर पा रहा था। मेरा क्वालिफिकेशन इंटर पास था उस टाइम, और मैं कुछ अर्निंग के वजह से मैं आउट ऑफ स्टेट काम करने के लिए जाता था, जो कि फिक्स नहीं था कि मुझे काम हमेशा के लिए मिल जाए। मुझे एक दोस्त के जरिए DDU-GKY के बारे में मुझे बताया गया, और मैं अकाउंट में ट्रेनिंग किया वहाँ पे। 3 महीना मेरा कंप्लीट होने से पहले 2.5 महीना हुआ था, और उसी दरमियान मुझे साइजा फाइनेंस में इंटरव्यू के लिए भेजा गया। मैंने इंटरव्यू फेस किया और यहाँ पे मुझे सिलेक्शन भी हो गया एज ए BOE ब्रांच ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पर। We are having workers from DDU-GKY. So when we see these operators, they really be surprised and shocked. The way of they're having a skills is really amazing. So what they're developing under there, like, you know, it is like what really industry need now. So they're developing entire the skills in their training program. When we're bringing to the factory, we can get the result from day one. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बदलते ग्रामीण युवाओं के जीवन स्तर की पहचान बन चुकी है। इस योजना से जहां एक ओर युवा कुशल कामगार बनकर स्थायी रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर छोटे बड़े उद्योगों को कुशल और स्थायी कर्मचारी भी मिल रहे हैं। ये एक ऐसी अनूठी योजना है जिसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान मेक इन इंडिया के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के तौर पर भागीदारी निभा रही है।